दोस्तों नारायण के 10 अवतार में से सबसे प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। जब हयग्रीव नाम के राक्षस ने चारों वेदों को कैद कर लिया था तब संसार में ज्ञान लुप्त होने लगा था और असुरिया शक्ति बढ़ने लगी थी। तब महादेव ने संसार को जलमग्न करने का सोच लिया था और इसीलिए नारायण ने मत्स्य अवतार लिया था। और भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर मनु ऋषि के पास जाकर कहा कि मुझे शरण दीजिए, मुझे भय लगता है बड़ी मछलियों से। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। देखते ही देखते वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो कमंडल में रह नहीं पा रही थी, इसलिए मनु ऋषि ने उसको फिर से समुद्र में डाल दिया। तब मनु ऋषि जान गए थे कि ये कोई सामान्य मछली नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आप कौन हो। तब विष्णु भगवान अपने वास्तविक रूप में आए और मनु ऋषि को कहा कि आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। ये पृथ्वी पूरी की पूरी जल में समा जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम सप्त ऋषियों तथा अनाज वनस्पति की प्रत्येक प्रजाति और पशु पक्षी के एक एक जोड़े को लेकर एक विशाल नौका में मेरी प्रतीक्षा करना। 7 दिन बाद प्रलय आता है। भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में आते हैं और उस नौका को अपने साथ बांधकर हिमालय पर ले जाते हैं।